मत बोलो बाबू, अंतिम बार तुमको मैं चेतावनी दे, अब आप तुमसे चेतावनी नहीं करूंगा, आपकी बार के बाद तुमको चेतावनी नहीं करूंगा, समझ जाना। ना समझदार है, आराम से रह बाबू, अंतिम चेतावनी, अंतिम चेतावनी, आराम से रह। इसके अगल बगल उधर देखते रहना, भाग के भी ना जाए, अगल देखते रहना, भाग के भी ना जाए। ये तू कितना हूं टेप कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी फ्लैश कर ले, कोई पैसा। आप अपना बात रखिए मंत्री जी, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। रणनीति बना करके गुच्छे लफंगे टाइप के लोग जो बेवजह बकवास करते हैं, शरारत करते हैं और हो हल्ला करते हैं ताकि ब्रजकिशोर बिंद बदनाम हो कि जनता इन्हें मान नहीं रही, ये कहने से जनता सारी बात समझ रही है। जनता मेरे साथ है निसंदेह, आने वाले समय में जनता मेरा भरपूर सहयोग करेगी और सदन में भेजेगी। देखिए विरोधी लोग परेशान हैं, विरोधी लोगों में बेचैनी है, बौखलाहट है, ये लोग सोचते हैं कि किस तरह से सरकार में रहते हुए मंत्री जी ने जो काम किया है इसके आधार पर जनता वोट डालने जा रही है। इन सारी चीज़ों को और विकास के हर एक मुद्दे को देखते हुए इन लोगों में बौखलाहट है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा है न, कोई तर्क है न, कोई तर्क की कसौटी पर बात रख सकते हैं। इन लोगों के पास बेबुनियाद बेवजह बकवास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये जितने विकास के काम हुए हैं इन सारे कामों से ये लोग परेशान हो करके बेवजह का फालतू झगड़ा मोल लेते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे लोगों को खड़ा करके बेवजह का तूल पकड़वाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अब भला बताइए दूर दूर तक खनिया लोहदन हसरे जो खनिया पे है कुबरा खनिया पर एक आदमी कह रहा है कि माननीय मंत्री जी के हम समधी हैं, दूर दूर तक कहीं से नज़र नहीं आता, हमारा वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है। उनको उन लोगों को बेवजह पैसे दे करके ये लोग पैसा दे करके बुलवाते हैं, कोई हमारा समधी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, ये झूठिया है। और ऐसे साजिश करने वाले लोगों को जनता समझ गई है और समझ भी रही है, इन लोगों को करारा जवाब चुनाव के मैदान में मिलेगा। मेड़ गांव का मामला है, ये वो एक कुशवाहा का लड़का था, वो कह रहा था अपने क्षेत्र में कौन सा विकास किया है। मैंने उन्हें बताया कि आज़ादी से लेकर आज तक आरजेडी की सरकार में भी माननीय मंत्री श्री जगता बाबू रहे, उनके रीजन में भी हमारे क्षेत्र में कैमूर जिले के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना था। मेरे रीजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंजीनियरिंग कॉलेज भगवानपुर के जैतपुर में बना है, अब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी पर वो बार बार कह रहा था कि ये झूठ बात है। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि यहाँ की जनता कितने लोग देखे हैं, बहुत लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया और कहा कि वहाँ बना हुआ है। वो लड़का बार बार कह रहा था नहीं बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा था बाबू चल के देख लो बना हुआ है, बेवजह का तूल पकड़वा रहा था। मात्र दो लड़के थे, दो के अलावा और कोई नहीं था। ABP News आपको रखे आगे।